मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी 6-7 साल में, और काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि जाओ भाई सलमान खान से मिलो, सलमान खान से मिलो। तो मेरी मम्मी भी जब ज़िंदा थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा इस वक्त तुम काफ़ी तकलीफ़ में हो, और तुम्हारा जो हस्बैंड है वहाँ से अमेरिका से पैसे वैसे नहीं भेज रहा है, तो बेटा सलमान खान जी सबकी बहुत मदद करते हैं, बेटा तुम चलो मैं चलती हूँ तुमको मिलाती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे शर्म आती है, वो बेचारे क्या बोलेंगे कि हुमा खान का क्या था और क्या हो गई। पर बस ऐसा हुआ कि प्रेम रतन धन पायो रे के सेट पे आरिफ भाई ने भी मुझे काफ़ी टाइम बोला कि देखो आपकी तो दीदी सलमान जी बहुत इज्जत करते हैं, और उनसे आप मदद मांगो, आप और किसी से मदद नहीं मांगना चाह रहे हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनका नाम नहीं बताना नहीं चाहूँगी जिन जिन से मैंने मदद मांगी, पर मेरा दिल बहुत टूट गया था। तो आरिफ भाई ने काफ़ी दफ़ा बोला, मेरी मम्मी की बातें मुझे याद थी, और मैंने आरिफ भाई की बात तो मुझे याद ही थी, और मैंने एक बच्चा मेरे मेरा बेटा मैंने एडॉप्ट किया है, जो उसने भी मुझे उसकी रूह शायद मेरी मम्मी में आ गई थी, मम्मी चलो सलमान जी के पास, मम्मी चलो सलमान जी के पास। और आरिफ भाई भी देखो तुमको, अब मुझे पता है तुम ऐसी खुददार औरत हो कि किसी से मदद नहीं मांगोगी, पर सलमान जी का तो मैंने आपका देखा है कि सलमान जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप सिर्फ उनसे मदद मांग लो, ये सुसाइड ये छलांग मारना ये सब नहीं। आरिफ वही 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, यहाँ तक कि फैन पर दुपट्टा लटका कर गले पे बांध भी लिया था, बड़े मुश्किल से बचाया गया दरवाज़ा तोड़ करके। और मुझे जब पता चला तो मैंने एक ही बात बोला कि बेवकूफ़ी मत करो, तुम ये कायर लोगों का काम है, सलमान खान सारे ज़माने की मदद कर रहे हैं, तुम चले जाओ। और इस वक्त मैंने बोला कि प्रेम रतन धन पायो की उधर कर्जत में शूटिंग चालू है। तो ये मैडम बोले मैं कैसे जाऊँगी सलमान के सामने, मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। तो मैंने कहा ऊपर वाले पर भरोसा करो, ऊपर वाले पर भरोसा करो और वहाँ जाओ, ऊपर वाले ने चाहा तो सलमान खान तुम्हारे लिए शूटिंग रोक देगा, मैंने डायरेक्ट बोला, सही बात है। तो बोले वो इतना बड़ा स्टार मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचाना। अरे मैंने कहा जमाना पहचानता तुम्हें, सलमान खान तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पहचानेगा भाई, वो गरीबों की मदद करता है। और इंशाल्लाह आप जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा करो, मेरे पर मत करो, वहाँ जाओ। जाने के बाद में जब पता चला कि सलमान भाई ने जैसा इन्हें देखा तो ये देख कर लिपट गई, रोने लगी। तो सलमान भाई ने, इनकी ज़ुबानी है कि 1.5 घंटा प्रेम रतन धन पायो का क्लाइमेक्स चालू था, वो रोक दिया, गाना चल रहा था, इनको खाना खिलाया। उसके बाद में ये जब वहाँ पहुँची थी तो इनके वापस आने का पेट्रोल भी नहीं था इनके पास। फिर उसके बाद में कितना, 1 लाख रुपये दिया, 1 लाख रुपया निकाल करके दिया और बोले हुमा तुम फिक्र मत करो। उसके बाद में इनको लगा कि मुझे आज नई ज़िंदगी मिली। बाकी ये बताइए आप। मुझे मेरे कुछ दोस्त लोगों ने बताया कि हाँ जी हमने सलमान जी से कहा था कि अरे हुमा जी आपका काफ़ी नाम लेती है, तो मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं माना, पर उन्होंने बोला कि कौन, मतलब सलमान जी ने ऐसा बोला कि कौन हुमा खान। मेरा दिल नहीं माना, फिर भी मैं डर डर के ये आरिफ भाई और मेरा बेटा समीर खान, आरिफ भाई, इन लोग ने बोला तुम जाओ देखो तुमको वो वही इज्जत देगा जो तुम लोग बचपन में साथ खेले हो। हमने सिर्फ बचपन में साथ में रहे हैं, उसके बाद मैंने प्यार किया, मैं जब मुझे पता चला कि हीरो सलमान जी है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। आखिरी अदालत के सेट पे जब सूरज जी मुझसे बोले आके, मॉर्निंग में 7-7 बजे की शिफ्ट थी, आपको मैंने बताया था 7 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट थी, वहाँ आके उन्होंने बोला कि भाई मेरी एक पिक्चर बन रही है, मैं राजश्री प्रोडक्शन से, मैं सूरज बड़जाटिया हूँ। मैंने कहा जी जी मैं आपका नाम जानती हूँ अच्छे से। बोला मेरा एक बहुत प्यारा सा रोल है वो आप कर लो। तो आखिरी अदालत फिल्म थी अपना विनोद जी, विनोद खन्ना, डिम्पल कपाडिया, तो मैं वहाँ की शिफ्ट शूटिंग कर रही थी सुबह मॉर्निंग की। तो उन्होंने बोला ये एक रोल है, मैंने कहा ये रोल तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बोला हुमा जी मुझे पता है कि ये रोल आप बखूबी बहुत अच्छा करेंगी, और मैंने कहा इतना इनोसेंटपन है मुझ में, उन्होंने कहा हाँ है, तो मैंने कहा ठीक है आप बोलते हैं तो मैं कर लेती हूँ, पर ये मुझे बताइए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है और बाकी क्या कास्ट है। तो ही सेड, मुझे उन्होंने बताया कि भाग्यश्री और सलमान खान जी का नाम लिया। तो मॉर्निंग टाइम था जब उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है सलमान, सलीम जी का बेटा सलमान खान, सलमान खान का अपना सलीम खान का बेटा सलमान जी का जब नाम लिया, मैंने कहा है वो हीरो बन गए क्या बात कर रहे।
तो मुझे इतनी हाँ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इतने शायर थे पहले और सिर्फ खेल में साइकिल चलाना ये सब उनको आता था, पर मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि अरे सलमान माशाल्लाह हीरो बन गया। मैंने कहा अब तो मैं ये पिक्चर ज़रूर करूँगी, मैंने उनसे कमिटमेंट कर लिया कि मैं ये पिक्चर ज़रूर करूँगी। उस हिसाब से फिर हमारी हमने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे भी अच्छे काफ़ी अच्छे हालात थे, फिर बाद में जो डाउनफॉल आया, तो जब मैं गई शॉर्टकट में बताती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं पूरा थर 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 कांप रही थी और बस अल्लाह से दुआ कर रही थी कि नसरुल्लाह फतेह करीब सलमान जी मुझसे अच्छे से मिले। तो वो सेट पे नहीं थे, सब लोग राजश्री वाले तो मुझे पहचानते, सब लोग ने बिठाया, चाय वाय पिलाया। मैं जैसे ही सलमान जी आए तो मैंने सलमान जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना मिल गया मुझे, और मैंने उनको बस गले लपटा लिया और जैसे उस दिन मेरी आंखों में भर आई थी उससे भी ज़्यादा रोने लगी। और उन्होंने हुमा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा बस कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत आपको क्या बताऊँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोले हुमा तुम फिक्र मत करो, बैठो पहले ये बताओ तुमने खाना वाना खाया। मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पी के आई हूँ, पता चला था आपका लास्ट शॉट है। बोला तुम फिक्र मत करो बैठो, तो मैं पहले से ही हैवी, उन्होंने एक दो तीन कुर्सी रखी और बोला बैठ जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे शाहरुख खान से साहब का डायलॉग है मैं हूँ ना, तो वैसे सलमान जी बहुत अच्छे से मिले। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अपना आपका नाम क्या है, महेश जी, आप यकीन करिए जब से उन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया, वैसे तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, पर मैं जब जाए नमाज में दुआ करती हूँ और जब अल्लाह से दुआ मांगती हूँ तो मेरी जब आँखें बंद होती हैं तो सबसे पहले मैं अल्लाह को याद तो करती हूँ और उनका इतना शुक्र अदा करती हूँ सलमान खान जी का, कि अगर सलमान खान जी वाकई में अगर वो नहीं होते तो मैं आज मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने आप को आज बहुत स्ट्रांग बना के आई हूँ कि मैं आज रोड पे होती, बिल्कुल हकीकत बात है आज मैं रोड पे होती। तो आप बताइए उस इंसान के लिए मेरे दिल से दुआ क्यों नहीं निकलेगी, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो एक तरफ मुझे अल्लाह की तस्वीर दिखती है, दूसरी आँख में सलमान जी की ये दिखती है छवि। ऐसे आदमी के साथ हमारी तो दुआ है, और वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और उस लड़की की जिन्होंने भी इनको मतलब शादी के लिए बोला ना कि शादी नहीं करूँगी, मैं बोलती उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि इतना ऑनेस्ट और इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते सलमान जी, बस जिस लड़की की किस्मत फूट गई होगी जिन्होंने सलमान जी के से बोल, जो भी मैं उनका नाम ली नहीं लेना चाहती हूँ, पर सलमान जी ही हीरा हैं और हमारे लिए फरिश्ते है, मेरे लिए तो बिल्कुल फरिश्ता है। मैं दो नमाज पढ़ती हूँ, दो नमाज में बस यही कहती हूँ अल्लाह बस सलमान जी को अच्छा रखना, क्योंकि उन्होंने मेरा अब तक साथ दिया है और बस मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो बस मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह पाई, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं भी अपना प्रॉमिस कर लूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूँगी। और आपने जो प्रॉमिस किया था, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और रेस 3 तो आप माशाल्लाह, मतलब आप माशाल्लाह वो घोड़े हैं कि आपसे आगे ज़िंदगी में कोई घोड़ा नहीं आएगा सलमान जी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। गॉड ब्लेस यू, आपको अल्लाह अच्छा रखे, चाहे आप मुझसे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, पर हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है, और ये याद रखना हुमा आपके लिए हमेशा दुआ करती है, बस मैं इतना ही बोलूँगी। और सलमान भाई के लिए उस दिन मैंने जो शेर बोला था वो एक फ्लुकली दिल से निकल गया था, और आज भी एक शेर याद आ रहा है मुझे उनके लिए, कि दिल के हर ज़ख्म को, उनके लिए सलमान भाई के लिए, कि दिल के हर ज़ख्म को हंस हंस के छुपाने वाला, कितना प्यासा है वो दरिया में नहाने वाला, मेरे अल्लाह मेरे दिल को समंदर कर दे, कितना प्यासा है हुमा खान की प्यास बुझाने वाला। थैंक यू। एक छोटा सा शेर मैं भी आज बोल देती हूँ, हाँ इरशाद है, बिल्कुल इरशाद भाई है, आओ इरशाद भाई। दया रे दिल की राह में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। क्या बात मैं बोल, मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं एक दफा बोल देती हूँ। दया रे दिल की राह में चराग सा जला गया, वो मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। सलमान जी के लिए गॉड ब्लेस यू सलमान जी, वी लव यू, वी लव यू, वी ऑल लव यू, और रेस 3 के घोड़े हैं आप माशाल्लाह,
आपको आगे ही आगे रहना है, कभी भी आप ज़िंदगी में आगे रहेंगे, क्योंकि आपने मेरी तो छोड़िए, एक लड़की और भी मुझे बेचारी फ़ोन करती रहती, अरे किसी का फ़ोन आया कि हुमा जी आपकी सुना है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो लड़की को कुछ आपने काफ़ी मदद की थी, तो वो कान से सुन नहीं सकती थी, आंख से देख नहीं सकती थी, वो यूपी की कहीं की रहने वाली है और अभी भी वो बेचारी स्लम्प में रह रही है कि जब तक मैं सलमान जी का शुक्रिया नहीं अदा करूँगी तब तक मैं जाऊँगी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, वो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनको हमेशा सलामत रखे, वो सबकी मदद करके, बस वो ऐसे हैं कि इस हाथ से दिया और इस हाथ को भी नहीं पता चलता है। अगर मेरी कोशिश मेरी रहेगी कि अगर मैं बेटा तुमको मिला सकी तो मैं ज़रूर मिला दूँगी, और नहीं मिला सकी तो बस उनके हक में दुआ करो, सलमान जी के लिए दुआ करो। मेरे हिसाब से अल्लाह मियाँ ने सिर्फ एक ही इंसान बनाया है, उसके बाद ऐसा इंसान बनाना अल्लाह मियाँ ने बंद कर दिया है, और बस इतना ही काफ़ी है कि सलमान खान सबकी मदद कर रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।